आप सभी भी प्यार से बोलिए ओम शांति। आज सभा में उपस्थित मंचासीन महानुभाव तथा आज की सभा में उपस्थित आप सभी भाइयों और बहनों, नुमा शाम में आप सभी को मेरा प्रेम से नमस्कार है। आज ये जो मेरा भारत स्वर्णिम भारत अभियान आपके शहर में पहुंचा है, तो 13 राज्यों को पार करते हुए आज ये अविरत रूप से चलने वाला अभियान आपके शहर में पहुंचा है। और इस अभियान में विशेष टारगेट युवाओं को रखा है, तो मैं गर्व के साथ आपको ये कहना चाहूंगी कि हमारे ब्रह्मा कुमारी से जो भी युवाएं हैं, वो युवाएं अपने हमजिंस को जगाने के लिए निकल पड़े हैं। अगर आज की युवा पीढ़ी को कोई बुजुर्ग मार्गदर्शन करता है, तो आज की युवा पीढ़ी कहती है कि इनके जमाने की बातें हैं, हमारे लिए नहीं है। लेकिन ऐसे हमजिंस युवा अगर अध्यात्म की मशाल हाथ में लेकर आगे बढ़ते हैं, तो जरूर ये प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। और इस अभियान में अविरत ये सेवा का कार्य करने वाले हमारे भाई और हमारी बहनें, ब्रह्मा कुमारीज में सबसे बड़ा धन युवा धन है इस संस्था के पास में। जितनी भी समर्पित बहनें होती है इस ईश्वरीय कार्य में, वो अपनी तरुण अवस्था में समर्पित होती है। जितने भी भाई यूथ इस कार्य से संलग्न है, ये सभी अपने युवा एज में परमात्मा के इस कार्य में तन मन धन मन वचन कर्म से पूर्ण रूप से समर्पित होकर ये कार्य कर रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, कहते हैं संगीत सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता, पत्थर तो लोग इसीलिए पूछते हैं कि चित्र संवाद है। और इस सभा में उपस्थित आप सब माताएं बहने और भाई, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हमारे भाई ने परिचय भी दिया इस संस्थान का, और अभी आदरणीय जो हमारे इंचार्ज बहन है इस अभियान की, उन्होंने बताया ही है। तो मैं केवल बस यही कहूंगा कि ये जो अभियान निकला है, इसमें आप जो है अपनी शुभकामनाएं दीजिए। ये एक बहुत बड़ा कार्य है, ये एक भागीरथ कार्य है, ये कोई छोटा कार्य नहीं है कि एक युवाओं को उनके जीवन के अंधकार को दूर करना, उनके जीवन में फिर से प्रकाश की एक किरण लाना, उन्हें सद्मार्ग दिखाना, ये एक बहुत बड़ा कार्य है जो इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के यूथ विंग ने ये बीड़ा उठाया है। मैं दो शब्द कहूँगा, बताऊँगा कि जब इस अभियान का उद्घाटन अहमदाबाद में हो रहा था, तो वहाँ पर गुजरात सरकार के उप मुख्यमंत्री वहाँ पर उपस्थित थे, नितिन भाई पटेल। तो जब उन्होंने इस अभियान की रूपरेखा सुनी, इस अभियान का लक्ष्य और उद्देश्य सुना, तो उन्होंने दो शब्दों में इसकी जो है व्याख्या करते हुए कहा, या दो शब्द बहुत सुंदर कहे, कि माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, मगर दिया जलाना कहाँ मना है, दिया जलाना कहाँ मना है। चित्र संवाद आज की ये मंचे उपस्थित थे के ये संगठनের চিন্তাধারা, ये संगठनের কার্যাবলী এবং এই তিন বছর ধরে 2017 থেকে 2020 পর্যন্ত যে কর্মসূচি ওনারা নিয়েছেন, সত্যি তা প্রশংসনীয়। তার জন্য এই সংগঠনের প্রত্যেককে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার আগে বক্তা বললেন স্বামী বিবেকানন্দের যে 125 বছর আগে শিকাগো সম্মেলনে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন,
এবং সারা বিশ্বকে তিনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন এবং হিন্দু ধর্মকে সারা বিশ্বে তার পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। সেই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যে যুব সম্প্রদায় আমাদের ইউথরা যদি এগিয়ে আসে তারা সারা ভারতবর্ষের চেহারা বদলাতে পারে একমাত্র ইউথরা। এবং এও বলেছিলেন হে দরিদ্র ভারতবাসী, হে চন্ডাল ভারতবাসী, আমার ভাই, এদের মধ্যে একদিন ভারতবর্ষ আরো আরো উন্নতি পাবে। এবং এই সংগঠনের যা উদ্দেশ্য দেখছি সেই গরিব মানুষদের তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দান করা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যদি শিক্ষা শুধু নিলে হবে না, প্রকৃত মানুষ হতে হবে। শুধু শিক্ষা নিলাম অথচ আমার মা ভাই বোনকে আমাদের পাশের প্রতিবেশীকে আমি দেখলাম না, তাহলে সেই শিক্ষার দাম কি? তাই এমন শিক্ষা দিতে হবে যে সে মানুষ হয় প্রকৃত এবং সমাজকে আমাদের সমাজকে তারা সেইভাবে চালনা করে। আমাদের যে বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছেন এই বিশ্ববিদ্যালয় তাদেরও সেই কর্মসূচি। এবং আমি আশা করব এই কর্মসূচি তাদের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হোক এবং যে উদ্দেশ্যে আজকে এই সম্মেলন করছেন তা আরো আরো বিস্তৃতি লাভ করুক। চিত্র সংবাদ, চিত্র সংবাদ। আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স কে প্রেসিডেন্ট আদরণীয় শ্রী নরেশ অগ্রওয়াল জি সে ও ইয়াহাঁ পর আকার হাম সবকে ভি দো শব্দ রখেঙ্গে। এক বার জো হ্যায় পুনা জো হ্যায় জোরদার তালিয়ো কে দ্বারা হাম ইনকা অভিনন্দন করেঙ্গে। ॐ शान्ति, ॐ शान्ति, ॐ शान्ति। मेरा भारत स्वर्णिम भारत के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित विशिष्ट व्यक्ति एवं गुरुजन, आए हुए सभी गुरुजन एवं प्रेमी को मेरा सादर प्रणाम। सर्वप्रथम बोला जाता है ओम शांति, ईश्वर का नाम। ईश्वर के नाम से ही सर्वप्रथम ये शब्द यहां पर कहा जाता है। 70 साल बीत चुके, एक पीढ़ी बीत चुकी, अब ये महसूस होता है कि फिर युवा पीढ़ी को जगाना है। हमारे भाई सचिंद्रनाथ राय ने कहा विवेकानंद के बारे में, उनको आगे ही दिखता था कि आने वाले फिर एक पीढ़ी के बाद युवाओं को जागृत करना पड़ेगा। और यही भार मेरा भारत स्वर्णिम भारत ने लिया है, जो कि 3 वर्षों तक हम लोगों के बीच में घूर घूर कर युवाओं को जगाएंगे। तो मेरा युवाओं से बस यही आग्रह है कि फिर जागो, फिर जागो, जो हमारा भारत है उसको फिर जगाओ। आपने देखा होगा कि आज भारतवर्ष ही नहीं विश्व में हमारे देश की प्रशंसा हो रही है, किंतु हमारे युवाओं की जरूरत है। मैं कहूंगा इनका सभी साथ दें और इनके हिम्मत बढ़ाएं, जिससे कि ये इस काम में पूर्ण कर सके। यही बोलते हुए मैं सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन